ऑल वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो आज का जो मैं लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो है नेचुरल मेकअप। सो विदाउट एनी डिले मूव टुवर्ड्स माई वीडियो। ये रूटीन फॉलो करती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अपने फेस वॉश कर लिया है एज यू कैन सी, और नेक्स्ट एंड रूटीन अपनाई मॉइस्चराइजर जो पॉन्स की है, और ये बहुत ही अच्छी है और ये लाइट वेट है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई अ कलर करेक्टर टू हाइड माय डार्क सर्कल्स, बिकॉज आई हैव डार्क सर्कल्स। तो ये मेरे डार्क सर्कल्स हैं विच आई एम गोइंग टू हाइड। फॉर दैट आई एम अप्लाइंग अ ऑरेंज कलर। आप इसके जगह, आपके पास अगर कलर करेक्टर ना हो तो आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो फॉर हाइडिंग योर डार्क सर्कल्स। अप्लाई ऑल ओवर योर आईज। Apply also on your dark spots, pigmented area. For that I am using green one. ब्लेंडर से ब्लेंड कर दी, ब्लेंड करते वक्त अपनी आई ऊपर रखे ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड करोगे तो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगी और ये बहुत ही फ्लॉलेस लगेगी आपकी स्किन पे। ऐसा नहीं लग रहा है ना कि जैसे मैंने कुछ अप्लाई करा हो। अगर आपको बाय करनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, श्योरली यू कैन बाय। मैं प्राइस भी मेंशन कर दूँगी।
apply all over your face, eyes. स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन यूज कर दो एंड यू डोंट हैव टू यूज अ लॉट ऑफ फाउंडेशन दैट इट्स लुक्स केकी ऑन योर फेस बस इतनी ओके है फाउंडेशन ब्लेंड करने से पहले आप एक ब्यूटी ब्लेंडर लो या आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो मैं ब्यूटी ब्लेंडर एक बता दूँ कि मैं बिल्कुल भी आई शेडो यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये नेचुरल मेकअप है तो क्यों ही नहीं बनाना तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई अ ब्लश to contour my nose, my face contour. So with the help of my finger, जैसे आपके यहाँ पे काम है ना वैसे आपको चाहे तो ब्रश के भी हेल्प से नोज कॉन्ट्रोल कर सकते बट आई एम अप्लाइंग विथ माई फिंगर्स मैं ऐसे ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ इसलिए करती हूँ क्योंकि ये आपकी फेस को डिफाइन करती है और इट एक्चुअली लुक्स ब्यूटीफुल सो नेक्स्ट टाइम डूइंग माय आईब्रोज और जब भी अपने आईब्रोज करो मैं क्लोजर लग सकती हूँ तो ये मेरी आईब्रोज है कुछ ऐसी मैं अपनी आईब्रो फिल करने के लिए आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ बिकॉज आईब्रो पेंसिल और लाइनर आई डोंट यूज बट ये मैंने नायका से बाय करा था फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज अ हैक विच आई ऑलरेडी यूज इन एवरीडे मेकअप और ये बहुत ही पिंकिश रहेगा आप भी चाहे तो यूज़ कर सकते हो आप एक लिपस्टिक ले लो मैं लाइट शेड और लाइटर शेड दोनों है मेरे पास तो मैं लाइट यूज करती हूँ आप चाहे तो कंसीलर भी यूज कर सकते हो फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ तो मैं मेबली फिट मी का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ तो सब दोनों को मिक्स कर लो और एक टेक्सचर बना लो और अपनी फेस चेक कर लेंगे
छोटे ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लो। अपवर्ड डायरेक्शन पे आप देख सकते हो ये नेचुरली पिंक लग रहा है, पिंकिश टाइप। मस्ट हम आउट ऑफ कलर लो। वी डू यूज दिस हैक फॉर नेचुरली पिंकिश ग्लो। सो आप भी चाहे तो ये हैक यूज कर सकते हो और मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपको ये हैक कैसे लगा। सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू अप्लाई इट। हाइलाइटर डायरेक्शन में ओके डन विद द हाइलाइटर। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई व्हाइट लाइनर, व्हाइट कलर। मेरी आईज बहुत ही छोटी छोटी है और बहुत ही क्यूट क्यूट है। सो मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मिस क्लेरी का वाइट आई लाइनर, हमारे गुलदारे आई लाइनर एंड काजल। क्योंकि मैं ट्रैवल अप्लाई करती हूँ तो इससे मेरी आईज बहुत छोटी लगती है। इसको और भी फ्रीटी बनाने के लिए मैं काजल यूज़ करती हूँ। तो मैंने मार्केट से बैठा था आई एम अप्लाइंग काजल क्योंकि आईज को आपकी बहुत ही अच्छी डिफाइन करती है और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देती है। तो मैं काजल नहीं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि मैंने वाइट काजल यूज कर लिया। I'm going to use Maybelline High Profile Waterproof Mascara. मैं लगा रही हूँ और मैं भूल गई थी मुझे ब्लाइंडर ही लगाना। तो ये है ब्लू हेवन गेट फुल आई लाइनर छोटू सा। देख सकते हो ये बहुत ही क्यूट क्यूट आई लाइनर लग चुकी है। अब मैं और यूज़ करूँगी फॉर सेटिंग माई फाउंडेशन। तो आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो, सेटिंग पाउडर बनाना पाउडर यूज़ कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू यूज दिस बेबी व्हाइटनिंग पाउडर फेस पाउडर। बॉडी यूज़ कर सकते हो और इसे अपने लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई करो। आप एक टिश्यू पेपर भी लेके अप्लाई कर सकते हो।
टाइम पे। देखो अब ये लिपस्टिक अपलाई हुआ मेरे हैंड पे और जब मैंने ऐसी लिपस्टिक लगाया था तो ये अपलाई हो गया मेरे हैंड पे। ट्राई करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी सिंपल नेचुरल मेकअप कैसी लगी। आप क्लोजर लुक भी देख सकते हो या ज़्यादा स्किन पे पता नहीं छोड़ते। नेक पे भी अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे वो फाउंडेशन हो चाहे वो पाउडर हो, क्योंकि आपकी फेस लगेगी लॉट्स ऑफ मेकअप और आपकी नेक लगेगी तो उनमें कोई कमेंट कर दीजिएगा। क्लोजर लुक फॉर ऑल, ये बिल्कुल ही नेचुरल लग रहा है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ये मुझे लग रहा है आपको नहीं पता मुझे। अरे बहुत ही क्यूट क्यूट पिंकिश लग रहा है। अरे यूज़ करते हो फॉलो करते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आपको नेचुरल मेकअप लुक कैसा लगा। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियोज चाहते हो तो कमेंट बिलो। So thank you for watching, like and subscribe to my channel.